मुख्यमंत्री में आज शुरुआत में सबसे पहले आपको गाली देने वाले नेताजी से मिलवा देते हैं। दरअसल कल मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो था। अमित शाह के रोड शो के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, विवाद इसी को लेकर हो गया। नगर निगम की दुकानों पर लगे पोस्टर जब प्रशासन ने हटा दिए तो फिर देखिए जरा नेताजी किस तरीके से गाली गलौच पर उतर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में मंगलवार को अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। रोड शो को बीजेपी के रंग में रंगने के लिए रास्ते की हर दुकानों और दीवारों पर बीजेपी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, लेकिन शाह के रोड शो के रंग में भंग पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के ही नेता ने शहर के अधिकारियों के साथ गाली गलौच की, महिला अधिकारी के साथ भी बच्चूबानी की गई, क्योंकि एक दुकान के ऊपर से पार्टी के पोस्टर हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद देखिए कैसे बीजेपी के महामंत्री अनिल जैन सीनियर अधिकारी को धमका रहे हैं। फिर अनिल जैन महिला अधिकारी के पास भी पहुंचे। ये हैं डिप्टी कलेक्टर विशाखा देशमुख। इनसे अनिल जैन ने बीजेपी के एक और नेता बीडी शर्मा के साथ मिलकर बहस की। दोनों नेता महिला अधिकारी को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे थे। नगर पालिका की दुकान इंडिविजुअल है ना, मेरी दुकान है जी, मैंने लिए किराए पे दी है, मैंने लिए है ना, किराए की बस बस का रूल है, किराए का घर है, किराए का घर है, आप घर पे नहीं लगाने देंगे किसी को। एक मिनट मैं बोल रही हूँ, जिसकी अनुमति हमने किसी को नहीं रोका, सिर्फ हम शासकीय भवन में वो लगा रहे हैं। शासकीय भवन की, शासकीय भवन कहाँ है मैडम, ये कहाँ है मैडम शासकीय भवन, ये नगर पालिका की दुकान है लोगों की, नगर पालिका की दुकान किराए पे नहीं है, मेरी हो गई वो। गुना में ये वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें अनिल जैन और बीडी शर्मा डिप्टी कलेक्टर को ही कानून सिखाने पर आमादा हैं। अब इस पूरे विवाद पर गुना के कलेक्टर ने जांच का भरोसा दिया है। तो गाली गलौज करने वाले नेताजी से आपने मुलाकात कर ली, आगे बढ़ते हैं। चुनाव के इस मौसम में हर पार्टी जो है वो लंबे लंबे वादे करती है, चुनाव पूरे हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, चुनाव के वादे या तो पूरे नहीं होते हैं या फिर काम अधूरे रह जाते हैं। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने तमाम पार्टियों को दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है घोषणा पत्र में वही वादे करें जो पूरे किए जा पाए। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मैनिफेस्टो के जरिए अब जनता से झूठे वादे नहीं कर पाएंगी। कम से कम मध्य प्रदेश में तो चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी कर दिया है। भोपाल में मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि घोषणा पत्र में राजनीतिक दल ऐसा कोई वादा न करें जो वो पूरा न कर सके। मैनिफेस्टो बनाते समय वो ये ध्यान रखें कि ऐसे कोई चीज उसमें ना लिखे जो वो नहीं कर पाएंगे। दल पार्टीज को ये निर्देश दिए हैं कि मैनिफेस्टो जारी होते ही 3 दिन के अंदर 3 प्रतियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। कल चुनाव आयोग ने इसके लिए 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया। 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी का कहना है कि पार्टी अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र कहती है और हर वादा पूरा किया जाता है। देखिए चुनाव आयोग की जो बात है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास भी करती आई है। हम लोग वैसे भी घोषणा पत्र नहीं कहते, हम लोग दृष्टि पत्र कहते हैं और हमारा विकास जो है उसके माध्यम से लगातार 5 वर्ष तक चलता है और 90% तक हमारी जो दृष्टि में जो बातें आती है उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। कांग्रेस भी घोषणा पत्र को नए नाम से लाने के लिए तैयार बैठी है और शिवराज सरकार को घोषणा वीर बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार स्पष्ट तौर पर तय किया कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र के स्थान पर वचन पत्र लाएगी, यानी जिन बातों को आप पूर्ण कर सकते हैं उन बातों का हम उसमें समावेश करेंगे। तो मुझे लगता है जो चुनाव आयोग की जो भाव और भावना है वो कांग्रेस पार्टी उसका पालन पहले से कर रही है। विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने का है जो घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी की सरकार है। कुल मिलाकर इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग सख्त है और घोषणा पत्र से लेकर आदर्श आचार संहिता को लागू कराने पर आयोग की कड़ी नजर है। भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़।
आपको रखे आगे।